तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पहला क्वेश्चन है नेट फोर्स ऑन 3 कूलम निकालना है। तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? 3 कूलम पे, क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल मीन्स दूर। तो ये वेक्टर पहला यहां बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1/4π ε₀ 1 × 3 ÷ 2² है। ठीक हो गया। अब ये 5 कूलम इस 3 कूलम को क्या करेगा? रिपेल। ये दोनों भी करेंगे, लेकिन हम यहां लेंगे नहीं, क्योंकि नेट फोर्स मुझे कहां निकालनी है? ऑन 3 कूलम। तो ये 5 कूलम 3 कूलम को रिपेल करेगा, वेक्टर राइट बनेगा 1/4π ε₀ 3 × 5/4² और नेट आंसर क्या होगा? नेट फोर्स राइट की तरफ होगी 1/4π ε₀ 3 ÷ 2² 15 ÷ 4² N टूवर्ड्स राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेना, 9 × 10⁻¹, और सॉल्व करके आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है। बहुत लोग देख रहा हूं वेक्टर बीच में बना रहे हैं, कोई इधर बना रहा है, मत ड्रॉ करें। वेक्टर की स्टार्टिंग ही 3 कूलम से होनी है, क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे है। तो 3 कूलम को रिपल्शन मिलेगी राइट, दूसरे से भी रिपल्शन मिलेगी राइट, दोनों को ऐड करके क्लोज। इसी का अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, -3 कूलम। अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? -3 कूलम। 1 कूलम -3 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन मींस अपनी तरफ खींचेगा, तो वेक्टर अपनी तरफ बनेगा, मींस लेफ्ट की तरफ बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4π ε₀ मैग्नीट्यूड 3 × 1/2² मैंने सिखाया था। जब हम फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पे, तो यहां पर साइन नहीं लेंगे, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, ये 5 कूलम इस -1 3 को अट्रैक्ट करेगा, 1/4π ε₀ मैग्नीट्यूड लेंगे 4² टूवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर गलती से भी नेगेटिव साइन नहीं लेना, तो नेगेटिव साइन अट्रैक्शन रिपल्शन के काम आएगा। दोनों वेक्टर्स लेफ्ट हैं, नेट फोर्स की वैल्यू 1/4π ε₀ 3 ÷ 2² +15 ÷ 4² N टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? अब सपोज करो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1 कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, तो सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं? ऑन 1 कूलम। 2 कूलम 1 कूलम को क्या करने वाला है? रिपेल। तो पहला वेक्टर क्लियर है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा, वेक्टर टेढ़े नहीं होते, वेक्टर स्ट्रेट है। तो ये 4, ये 3, पाइथागोरस से ये 5 मीटर। फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1/4π ε₀ 2 × 1/5² क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से ये 2 कूलम 1 कूलम को क्या करेगा? रिजेक्ट, सॉरी रिजेक्ट कह रहा हूं, रिपेल। रिपेल, रिपेल में क्या आएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। सही है, जो लेफ्ट है वो राइट है, डन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकलेगा, या फिर एक और तरीका है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे? इमेजिन कर लें ये एंगल है थीटा, और ये एंगल भी क्या है? थीटा। एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फाइनली ये अगर थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा थीटा। एफ के दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट ये होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा एफ साइन थीटा। इस एफ का भी एक कंपोनेंट लेफ्ट होगा एफ कॉस थीटा, और एक क्या होगा? एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से क्या हो गया? कैंसल। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी एफ नेट क्या आएगी? 2
एफ साइन थीटा टू, एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर इनटू साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा बोलो, फोर डिवाइडेड बाय फाइव न्यूटन। अब लिख सकते हो डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, डन आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसकी जगह 9 × 10⁻¹। तो जितने भी ये ट्राइंगल वाले टेढ़े मेढ़े वैक्टर बनते हैं उनको हमेशा कॉम्पोनेंट से सॉल्व करो, दो कॉम्पोनेंट मैक्सिमम क्वेश्चन में कैंसिल ही हो जाते हैं और जो दो कॉम्पोनेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट आंसर देगा आपको। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो ये एफ, ये एफ थीटा 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 थीटा, एफ के कॉम्पोनेंट्स कैंसल, टू एफ कॉस, टू एफ साइन थीटा इज द आंसर। एफ आपको निकालना आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, डन आंसर। तो मेथड समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, शीट देना आज की, आज वाली शीट। तो आज वाली शीट में एक और क्वेश्चन होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन लास्ट करें जिसमें ये ऐसा ट्राइंगल है जिन्होंने किया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना प्लीज। टू कूलम, इसे कैसे करेंगे चेक करें, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन टू कूलम। सारे वेक्टर्स टू कूलम पे ड्रॉ करने हैं, टेढ़े बनेंगे फिर से, फिर एंगल लेके उसको कॉम्पोनेंट्स में सॉल्व करना है। ट्राई करें, 2f cos थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, अच्छा ठीक है, डिपेंड करते हैं आपने एंगल क्या लिया। देखो सारे वेक्टर टू कूलम पे बनेंगे, थ्री कूलम टू कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो ये 5 मीटर है, f की वैल्यू आएगी 1/4πε₀ 3 × 2 / 5 का स्क्वायर, राइट, क्लियर है, पहला वेक्टर क्लियर है। दूसरा, ये 3 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो f की वैल्यू रिमेन्स सेम क्योंकि बाय सिमेट्री आंसर सेम आएगा, f और f आ गया, सही है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, आप एक काम करें, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें एक्स एक्सिस, इमेजिन करें ये थीटा, तो बाय सिमेट्री ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, थीटा थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट है, इस एफ का एक कंपोनेंट यहां जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर आएगा कितना, एफ साइन थीटा, इस f का एक कंपोनेंट यहां आएगा f cos थीटा, और एक नीचे आएगा f sin थीटा, ये कंपोनेंट इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। नेट जो फोर्स की वैल्यू आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2f cos थीटा, 2 × f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4πε₀ 3 × 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या है, 4/5, तो 1/4πε₀ की जगह 9 × 10⁹, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है, तो लिख देना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आंसर। हाँ साइन ले, आप एंगल दूसरा लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ये एंगल लेंगे 90, तो 90 − थीटा अपने आप साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, पर मेरे को ये ज़्यादा आसान लगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट से सीधा आंसर आ गया इसमें, कोई डाउट इसमें?
तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर वेक्टर टेढ़े बनेंगे कंपोनेंट और वेक्टर से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें इसका आंसर ये हमने लास्ट टाइम ऐसा किया भी था, 3 2 नेट फोर्स 2 कूलम पे अगर निकालनी है तो 3 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल 1/4πε0 2 (3)/2² तो ये एफ की वैल्यू आ जाएगी और ये 3 और 2 का मैग्नीट्यूड फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं, एफ और एफ सेम है, 90 डिग्री पे हैं। तो आप इसमें ये रिजल्टेंट लें, रिजल्टेंट क्या आएगा, √f² + f² जो कि क्या आएगा, √2f, √2 × 1/4πε0 2 3/2² और डायरेक्शन के लिए कोई भी नाम दे दें, ओ बी, तो लिख दें अलोंग ओ बी, बात खत्म, बस ओ बी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो सुपर पोजिशन सबको लगाना आ गया, कैसे वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं सबको क्लियर है यहाँ तक, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये अगर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन कॉम्पोनेंट और वैक्टर से ही सॉल्व होने हैं, ठीक।